हाथरस की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी से बात करके हाथरस की पूरी घटना के बारे में जानकारी ली है। आपको बता दें कि कल देर रात परिवार की मौजूदगी के बगैर हाथरस की पीड़ित लड़की का अंतिम संस्कार कर देने के आरोप यूपी पुलिस पर लग रहे हैं। तस्वीरें लगातार टीवी चैनल्स आपको दिखा रहे हैं, आज तक दिखा रहा है। और पीएम ने अब खुद बात की है योगी आदित्यनाथ से और कहा है कि इस मामले में कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी की सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी बना दी है। आज सुबह ही 3 सदस्यों की एसआईटी का ऐलान हुआ। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ से बात करके इस मामले में कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कुमार अभिषेक बोलिए इस मामले पर। देखिए रोहित, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात की ट्वीट करके जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाथरस के का जो कांड हुआ है उस पर उनसे बातचीत की है और जानकारी ली है। कुल मिलाकर हाथरस की ये जो घटना है ये इस वक्त देश की सबसे बड़ी घटना बन चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री, मुझे नहीं याद आता कि लॉ एंड ऑर्डर जैसे किसी इशू पे प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ से कोई बात की हो कभी या कभी पूछा हो, लेकिन आज खुद योगी आदित्यनाथ ने, जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। कुछ देर पहले योगी सरकार ने बाकायदा एक एसआईटी का गठन किया है और उस एसआईटी को इस पूरी जांच का जिम्मा सौंपा गया है कि पूरी तरीके से सच का दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। लेकिन साथ साथ कई और सवाल भी खड़े हुए हैं रोहित। जिस तरीके से बीती रात उस लड़की का दाह संस्कार किया गया, जिस तरीके से सरकार इस पूरे मुद्दे पर फायर फाइटिंग में जुटी रही, ये मामला पूरी तरीके से इस समय देश में गरमाया हुआ है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश प्रशासन पर एक सवाल खड़े हुए हैं। और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने, मुझे लगता है कि, इस मुद्दे पर बात भी की है और जानकारी भी ली है। कल से ही जो प्रशासन है, खास करके हाथरस प्रशासन है, वो लगातार इस बात से इनकार करता रहा है कि दुष्कर्म जैसी कोई घटना नहीं घटी। लेकिन अब ये मामला बहुत ही बड़ा हो चुका है। सरकार और प्रशासन निश्चित तौर पर इस पर बैकफुट पर है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आज एसआईटी बनाई है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बात की है, निश्चित तौर पर इसका कुछ कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये एक बड़ा मुद्दे, बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आ रहा है।